कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा ने रायबरेली सदर से पार्टी विधायक अदिति सिंह की सदस्यता खत्म करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष के सामने एक याचिका दायर की है। ये याचिका उत्तर प्रदेश विधानसभा सदस्य दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता नियमावली 1987 के तहत दी गई है। अदिति सिंह ने पार्टी व्हिप के खिलाफ जाकर 2 अक्टूबर से आहूत किए गए 3 दिवसीय विशेष सत्र में हिस्सा लिया था, जबकि पार्टी हाईकमान ने इस विशेष सत्र में हिस्सा न लेने के लिए कहा था। चूंकि ये प्रक्रिया नेता सदन कांग्रेस श्रीमती आराधना मोना जी द्वारा वहां दायर किया गया है, निश्चित रूप से वो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है। बहुत स्पष्ट संदेश है कि जो लोग भी पार्टी के खिलाफ काम करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से हम सब लोगों को निर्देशित किया है। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही अदिति सिंह पर रायबरेली टोल प्लाजा पर हमला हुआ था, उसके बाद उन्होंने योगी सरकार से सुरक्षा की मांग की थी। इसके बाद राज्य सरकार ने कांग्रेस विधायक अदिति सिंह को Y+ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान कर दी थी। इसके अतिरिक्त महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर यानी कि 2 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र का कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया था, लेकिन अदिति सिंह ने हिस्सा लिया था और इसी कदम पर कांग्रेस ने अदिति सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला भी लिया था।